हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एल एन गेट चैनल में। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 20.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ, मैं आज उसके बाद बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं 5 नंबर तक सम्स उसका बना चुकी हूँ, मैं 6 नंबर से बनाने वाली हूँ। नंबर क्या है? लेट्स राइट द मेजरमेंट ऑफ कैस इंटीरियर एंड एक्सटेरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मैं इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ। नीचे के सुषम बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्ठ कोण की माप लिखे, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमको सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्ठ कोणों का यहाँ पे हमको माप लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 फॉर्मूलास है, ठीक है। एक है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग एन साइड्स इक्वल टू क्या है, 2 पोस्ट में है एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। सेकेंड है मेजर ऑफ ईच वन साइड इक्वल टू क्या है, 2 पोस्ट में आपका है एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, बटे में क्या है आपका एन है, ठीक है। मतलब 2 एन माइनस 2। बोर्ड पर आपको 3 फॉर्मूलेज दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हैविंग एन साइड्स इक्वल टू क्या है, 2 कोस्ट में आपका है एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्या है कि मेजर ऑफ ईच वन साइड इक्वल टू क्या है, 2 कोस्ट में आपका है एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, बाई क्या है एन है, ठीक है। और थर्ड आपका है मेजर ऑफ ईच एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री, और बाई क्या है एन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, जो हमारी ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला पे हम सबका निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया अंतःकोण और बहिष्कोण, मतलब इंटीरियर और एक्सटर्नल हमको पॉलीगन का यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिख रहा है इसी फॉर्मूला पर हमको इसको सॉल्व करना है, जो आपका 6 नंबर का यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया, नीचे के सुषम बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का माप निकालें, मतलब प्रत्येक। तो हमारा ये जो दूसरा नंबर है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे हम फर्स्ट नंबर का सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजर ऑफ ईच वन साइड्स इक्वल टू क्या है, 2, यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या है, 2 कोस में क्या है एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, बाई क्या है एन, ठीक है। तो हमको इसका सारे सुषम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का माप निकालना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ईच मेजर ऑफ ईच वन साइड्स साइड का हमको इसका फॉर्मूला, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हमारा क्या है, पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेंटागन, पंचभुज। तो यहाँ पे पंचभुज तो समझ में आ रहा है, इसके कितने साइड्स होते हैं, इसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, जो हमारा वहाँ पे फॉर्मूला में आपको दिख रहा है n, n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट कौन से वाले में जाएंगे, हम सेकेंड वाले फार्मूला पे इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको इसके प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का माप निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 2 कोस्ट में है एन माइनस 2, मतलब 5 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, बटे में कितना है एन, मतलब 5, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 में से 2 गया, कितना हुआ 3 इंटू 90 बटे में 5 इक्वल टू, अब 6 इंटू 90 बटे में 5, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे तो कितना, तो गया आपका 5 एकम 5, 5 8 40, तो 6 गुने 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
18 में हम 6 का गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 और 6 और 10, 108 हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है, 108 आ गया। ठीक है, तो हमारे ये क्या आया, मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, हमारा पेंटागन का इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एक्सटीरियर निकालना है। ठीक है, तो हम इंटीरियर निकाल दिए, मतलब क्या, हम अंतःकोण का मान निकाल दिए, अब हमको बहिष्कोण का माप निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं उसका भी। तो यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा कि मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, 360 डिग्री बाई क्या है, एन। क्या होता है, हमारा बहिष्कोण का जो एंगल का मान होता है वो क्या होता है, 360 बटे में एन। एन मतलब क्या, 5, क्योंकि यहाँ पे एन इक्वल टू हम लिख दिए हैं 5, क्योंकि पेंटागन का कितने साइड्स होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हम बहिष्कोण का निकालेंगे, अब हम यहाँ पे किसका, एक्सटेरियर का निकालेंगे। चलिए तो लिख देते हैं, मेजर ऑफ इच एक्सटेरियर, ये आर आई है, एक्सटेरियर एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बटा में एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 360 बटा में 5, 5 × 35 और 5 × 2 = 10, कितना हुआ, 72 डिग्री। ठीक है, कितना है इसका, इसका आया आपका 72 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो पंचभुज का हमारा सुषम बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण और क्या है, बहिष्कोण की माप निकालना था, तो हम फर्स्ट पंचभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का दोनों का मान निकाल दें। ये आपका अंतःकोण का मान हो गया, माप हो गया, ये आपका बहिष्कोण का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिक्स का सेकंड नंबर है आपका षष्ठभुज। ठीक है, ठीक है, षष्ठभुज, इसे हम इंग्लिश में से हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, ये हेक्सागन है, इसके कितने साइड्स होते हैं पता है आपके, इसके 6 साइड होते हैं, मतलब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम उसी फॉर्मूला पे पुट करके, सेम उसी तरह सारे हम तो बनाएंगे, तो कैसे लिखते हैं, मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 cos 6 − 2 / आपका हो जाएगा 6 × 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू अब 2 × क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 / 6 × 90, अब हो जाएगा आपका 8 / 6 × 90। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 3 × 2 = 6 हो जाएगा 3 × 3 = 9। ठीक है, फिर ये गया आपका 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10, तो कितना हो गया यहाँ पे, 15 × 8। ठीक है, यहाँ पे 15 × 8 हो गया, 15 × 8 कितना, तो 15 × 8 आपका होता है 120। तो ये कितना डिग्री हो गया आपका, 120 डिग्री आ गया। कितना क्या आया इसका, हमारा अष्टभुज का अंतःकोण का मान आ गया आपका, कितना माप आ गया, 120 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको इंटीरियर एंगल निकालना, इंटीरियर एंगल तो हमारा निकल गया, अब हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब हमको बहिष्कोण यहाँ पे उसका माप निकालना है। तो चलिए यहाँ पे मैं बहिष्कोण का माप को दिया, 360 बटे में क्या है, एन, 360 डिग्री बटे में एन, मतलब 360 बटे में 6 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलिए लिख लेती हूँ मैं, exterior
सॉरी, इसको साथ में लिखने में आपको कन्फ्यूजन में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखी हूँ। हेक्सागन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बट्टे में आपका हो जाएगा 6, तो आपका ये गया कितने बार में 6×36, मतलब कितना हो जाएगा 6×36 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर हमारा ये वाइस कोण का माप आपका होता है 60 डिग्री। ठीक है, अंतर कोण का कितना होता है 120 और वाइस कोण का होता है आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर। तो 3 नंबर है आपका, 3 नंबर है अष्टभुज। अष्टभुज ऑक्टा ऑक्टागन के कितने साइड्स होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 होते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 8। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो सेम वही फिर वही चीज़ लिखेंगे हम, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर। आपको प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन टू एन माइनस सॉरी एन नहीं एन के जगह पे एट एन 8 - 2/8 × 90° इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × 8 में से 2 गया 6/8 इक्वल टू 90 और जो जाएगा यहाँ पे 12/8 × 90 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 8 और ये हो गया आपका 90 तो कितने के पार से जाएगा आपका 2 × 8 2 × 8 2×5 10। ठीक है, अब 4 × 4 = 12 तो क्या हो जाएगा 45 × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 से हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 6×4 = 12 × 13 135 डिग्री। ठीक है, इसका कितना आया हमारा अंतर कोण का माप आया 135 डिग्री। ठीक है, और चलिए हम ये निकाल लेते हैं वही कोण, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर भी हमारा ये क्या आ गया इंटीरियर आ गया, अब हम एक्सटीरियर निकालने जा रहे हैं तो लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री / 8 तो इसको हम काटेंगे दो के पार से नहीं 2 × 4 = 8 और ये कितना जाएगा 4 × 8 से कट गया ये अब कितने बार में जाएगा ये 4×9 = 36 90 हो गया। अब ये जाएगा आपका ये आपका हो गया 4 × 5 = 45 कितना होगा 45 ये हो गया 45 तो ये 45 डिग्री आ गया। तो हमारा क्या अंतःकोण का मान होता है 135 डिग्री और वहीं कोण का होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा दोनों का यहाँ पे माप आ गया है। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से सारे सब समझा दूँगी। अगर जो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं सोशल साइट पर हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम
का भी लिंक मैं उसमें दे चुकी हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ भी अपने न्यू पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ, और आपको कहीं प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।